नेक्स्ट uh, क्वेश्चन uh, 2012 का सवाल है क्वेश्चन सेज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन अ फोर्स फील्ड इज गिवन एज यू इज इक्वल टू ए बाई आर स्क्वायर माइनस बी बाय आर वेयर ए एंड बी आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स नाउ आर इज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम सेंटर ऑफ द फील्ड हमें ये बताना है कि फर्स्ट फोर्स्टेबल इक्विलिब्रियम डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल विल बी और अपने को चार ऑप्शन दे रखे हैं ऑप्शन है बी बाई टू ए या फिर टू ए बायर ए बाई बी या फिर बी बाय ए अगेन uh, फिर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का सवाल है थोड़ा सा इसमें काम करना पड़ेगा मुश्किल नहीं है सवाल तो हमें जो पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है पोटेंशियल uh, एनर्जी दी है ए डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस बी बाय आर ए और बी हमें कहा है कि पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स हैं ये हमें किसी रीजन में जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है पार्टिकल की वो दी गिवन है हमें ये पता है कि फॉर इक्विलिब्रियम डी यू डिवाइडेड डी एक्स जो है ये आपका जीरो होएगा इक्विलिब्रियम uh, के लिए जो अपना फोर्स होता है ये अपनी फोर्स की वैल्यू होएगी इसकी वैल्यू ज़ीरो रखनी है तो इसका मतलब ये इसे हमें एक बार डिफ्रेंशिएट करके इक्वल टू ज़ीरो करना पड़ेगा उससे अपनी आर की वैल्यू आ जाएगी उसको फिर हम चेक करेंगे कि वेदर वो क्राइटीरिया आपका स्टेबल या स्टेबल uh, इक्वलिब्रियम का है या अनस्टेबल राइट सो इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करके इक्वल टू जीरो रखें तो uh, इस पहले वाले टर्म का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस ए डिवाइडेड uh, बाय जब वन बाय आर स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे सो दिस विल बी ट्वाइस आर क्यूब माइनस वन बाय आर का जो डिफ्रेंशिएशन आएगा वो होएगा डिफ्रेंशिएट uh, करने के बाद ये बन जाएगा प्लस बी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर नाउ दिस विल बी इक्वल टू जीरो ये आपका वन बाय आर का डिफ्रेंशिएशन माइनस वन बाय आर स्क्वायर होएगा वन बाय आर स्क्वायर का डिफरेंशिए टू बाय आर क्यूब होएगा हाँ लेकिन सो इसको जब हम इक्वल टू ज़ीरो करेंगे विच इम्प्लाइ इम्प्लाइज अगर मैं इसको आर क्यूब से मल्टीप्लाई कर दूँ सो दिस विल बी माइनस टू ए प्लस बी आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब इसको बहा ले लेते हैं इक्वल टू ज़ीरो अब इसको इक्वल टू जब हम ज़ीरो कर रहे हैं इसका मतलब है या तो आर की वैल्यू आपकी इन्फानाइट होएगी या फिर ऊपर वाली टर्म ज़ीरो होनी चाहिए ऊपर वाली टर्म जीरो होने का मतलब है कि माइनस टू ए प्लस बी आर इक्वल टू ज़ीरो विच एम्प्लाइज आर की वैल्यू आ गई टू ए डिवाइडेड बाय बी तो ये आपकी आर की वैल्यू हो गई इस जगह पे हमें इक्विलिब्रियम मिलेगा ना ये भी साथ के साथ चेक करने की ज़रूरत है ऑल्दो ये हमारा राइट आंसर हो गया बिकॉज uh, uh, चार ऑप्शन है और क्योंकि एक ही ऑप्शन आया स्टेबल इक्विलिब्रियम पूछा है तो यही होगा पर मैं चाहूँगा कि आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम का क्राइटेरिया भी पता हो उसे कैलकुलेट कैसे करते हैं ये भी अपने को आना चाहिए कंडीशन ये होगी कि अगर अपना इक्विलिब्रियम स्टेबल है उसके लिए हम कहते हैं कि डबल डिफ्रेंसिएशन ऑफ यू यानी कि डी यू डी टू यू डिवाइडेड बाय डी आर स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो अगर ये क्राइटेरिया है तो आपका इक्वेलिबियम स्टेबल होएगा तो इसका मतलब ये है कि हमें इस टर्म को एक बार फिर डिफरेंशिएट करके देखना होगा आर की वैल्यू उसमें रख के चेक और वेरीफाई करना होगा कि ये इक्वेलिब्रियम स्टेबल है हालांकि right? इसको एक बार फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे सो so, इसको डिफ्रेंशिएशन करने के बाद वन बाय आर क्यूब का डिफ्रेंशिएशन इसमें करेंगे तो दिस विल भी इक्वल टू प्लस सिक्स ए डिवाइडेड बाय आर टू द पावर फोर ये इसका डिफ्रेंसीेशन हो जाएगा और इसको फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे एक बार फिर तो इसका डिफ्रेंसीशन जो आएगा वो आ जाएगा माइनस टू बी डिवाइडेड बाय आर क्यूब यह आपका डिफ्रेंसीशन हो गया इसकी टर्म की हमें वैल्यू अब चेक करनी है कि क्या है इसमें जब ये वैल्यू डाल देंगे ग्रेटर देन जीरो आ रहा है राइट इसमें जब वैल्यू रखी तो so इसको वैल्यू रखने के बाद दिस विल बी इक्वल टू सिक्स ए मल्टीप्लाइड बाय इसकी पावर फोर यानी कि चलो लिख लेते हैं टर्म को टू ए डिवाइडेड बाय बी टू द पावर फोर ये अच्छा ये तो आ रहा है था हमें इसका उल्टा करना है सो दिस विल बी इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय टू ए टू द पावर फोर माइनस टू बी मल्टीप्लाइड b बी बाय 2a टू ए का क्यूब सो so, इसको जब हम रिजॉल्व करेंगे सो दिस विल बी सिक्स ए बी टू पावर फोर डिवाइडेड बाय टू की पावर फोर करने के बाद हो जाएगा सिक्सटीन ए टू पावर फोर माइनस टू बी मल्टीप्लाइड बाय बी क्यूब डिवाइडेड बाय टू की पावर क्यूब करके हो जाएगा एट ए क्यूब इसको जब हम सॉल्व करेंगे ए के कैंसिल हो जाएगा नीचे बचेगा ए क्यूब ऊपर बी टू द पावर फोर और ये भी कैंसिल होकर बच जाएगा आपका थ्री बाई एट बी टू पावर फोर डिवाइड बाय ए क्यूब माइनस टू कैंसिल हो जाएगा बी टू पावर फोर डिवाइडेड बाय ये बचा आपका एक काम करते हैं इसको ये एट ही रख लेते हैं बिकॉज यहाँ पे एलसीएम वो बच जाएगा टू बी क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब ये बचा इसको जब हम माइनस करेंगे uh, नीचे यहाँ एट और आएगा सो दिस विल बी बी टू दी पावर फोर डिवाइडेड बाई एट ए क्यूब विच इज़ ग्रेटर देन जीरो यानी कि इस लोकेशन पे अपना इक्विलिब्रियम स्टेबल आएगा एंड हेंस वी कैन से ऑप्शन नंबर बी टू ए बाई बी वुड बी द राइट आंसर